स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। इससे पहले भी हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। आप चाहें तो इस शिक्षण विधि से पहले प्लेलिस्ट में जाकर और उन शिक्षण विधियों का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी लगभग मिली जुली विधियां हैं। किसी में कुछ दोष है, किसी में क्या गुण है। तो इससे पहले भी इकाई विधि, उपचारात्मक शिक्षण, उपलब्धि शिक्षण, मूल्यांकन, इतनी सारी हम वीडियोस बना चुके हैं। उन्हें सबसे पहले जाकर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज की जो हमारी विधि है वह है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। एक शिक्षा शास्त्री के अनुसार या फिर कह दें मनोवैज्ञानिक वुड, उनके अनुसार यह विधि समस्या विधि निर्देश की वह विधि है जिसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान करना आवश्यक है। मतलब इसके अनुसार जो सीखने की प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस है, उनको उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है कि वह क्या कर सके, उनको उसको सॉर्ट आउट कर सके, उन समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। तो यह विधि बाल केंद्रित विधि है, क्योंकि यह विधि भी लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस विधि द्वारा छात्रों में समस्या को हल करने की क्षमता का विकास होता है, और किसी भी समस्या को अगर वो हल करेंगे तो उन हल करने की विधि द्वारा उनमें चिंतन शक्ति का विकास होगा और इसके अलावा तर्क शक्ति का विकास होगा, जो विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। जो यह समस्या समाधान विधि है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, यह विद्यार्थियों को समस्या को स्वयं हल करना सिखाती है और इसके अलावा उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, उनमें ऐसे ऐसे कौशलों का विकास हो जाता है जिसके द्वारा उन्हें जीवन में जो कभी भी कोई भी समस्याएं आए तो वे उन समस्याओं का समाधान करने में सफल रहते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। जो समस्या समाधान विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है हमेशा स्थायी होता है, क्योंकि जब विद्यार्थी के सामने कोई भी समस्या आई, उस समस्या को समाधान करने में उसने उससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया, फिर उसने सोल्यूशन निकाले कि ये हो सकता है, यह हो सकता है, तो उसमें उसने अपना दिमाग लगाया, तो उससे प्राप्त ज्ञान हमेशा कैसा होता है, स्थायी हमेशा रहता है। आगे भी कोई समस्या का समाधान करना हो तो वह पूर्व ज्ञान का उपयोग कर सकता है विद्यार्थी। यह एक मनोवैज्ञानिक एवं सक्रिय क्योंकि विद्यार्थी इसमें क्रियाशील रहता है। इस विधि में विद्यार्थी क्रियाशील रहकर कार्य करते हैं। तो यह अब समस्या समाधान विधि के कुछ स्टेप्स है, चरण है, जो देखते हैं कि कैसे इस विधि को अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, समस्या विधि का चयन, किस विधि का चुनाव करना है कोई भी समस्या आने पर। उसके बाद में समस्या का प्रस्तुतीकरण, मतलब समस्या को देखा जाता है किस प्रकार की समस्या है। अब समस्या का प्रस्तुतीकरण, समस्या सामने है तो उसे हल करने हेतु थर्ड स्टेप, उसे हल करने हेतु कौन सी विधि काम आएगी, कौन सा तरीका काम आएगा, तो उससे संबंधित तथ्य होते हैं उनका एकत्रीकरण, उनको एकत्र किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद में तथ्यों के आधार पर समस्या को हल करने हेतु क्या किया जाता है, उस समस्या का विश्लेषण या सामान्यीकरण कि यह सही है, गलत है, किस प्रकार उपयोगी है और अनुपयोगी है, और उसके बाद उस पर पहुंचा जाता है निष्कर्ष पर, मूल्यांकन पर, कि यह विधि किस स्तर तक हमें प्राप्त हुई है और इसमें क्या अन्य नए, इसमें क्या एडिटिंग की जा सकती है, किस प्रकार और सुधार किए जा सकते हैं। तो पांच मुख्य चरण स्टेप्स है। लेकिन इस विधि के कुछ दोष भी है, जैसे कि हर विधि में है कुछ लाभ है, कुछ दोष भी है। कोई भी विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है। सबसे पहली है समस्या समाधान विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं, जो प्राथमिक कक्षाओं हेतु नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे विद्यार्थी बहुत छोटे होते हैं, वे समस्याओं का समाधान अपने आप से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत अधिक समय लेने वाली विधि है। इसके अलावा समस्या समाधान विधि के द्वारा यह जरूरी नहीं कि जो विद्यार्थी
इस विधि द्वारा जो भी परिणाम निकाले वे संतोषजनक हो। एक तो किसी भी समस्या का हल करते समय विद्यार्थी बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, इरिटेट, और वो संतुष्ट भी नहीं होते हैं। तो इस विधि द्वारा जरूरी नहीं निकले हुए परिणाम संतोषजनक ही हो हर बार। इस विधि में अगर समस्या का समाधान, तो समाधान को जो भी चेक करेगा, तो इस विधि में कुशल अध्यापकों की आवश्यकता होती है। कुशल अध्यापक अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो यह विधि क्या हो जाती है, वेस्ट। इस विधि द्वारा भी संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को जिन जिन प्रकरण या फिर जिन जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स आती है, समस्या आती है, उस टॉपिक्स या प्रकरणों से ही संबंधित वे समस्याओं का समाधान करते हैं। तो जिस जिसमें प्रॉब्लम आई वहीं अप्लाई होगी, बाकी पाठ्यक्रम में नहीं अप्लाई होगी। तो पाठ्यक्रम को इस विधि द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सकता, ये तो कुछ कुछ टॉपिक्स में ही काम आएगी, वे उन्हीं टॉपिक से संबंधित समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, तो अधूरी होगी। इसके अलावा यह विधि जीवन को, इसका एक फायदा ये कि यह विधि जीवन को बेहतर या अच्छे ढंग से जीने का एक नजरिया देती है, और किसी किसी को होपलेस भी कर देती है अगर वह समस्या का समाधान पूर्ण करने में या समस्या को समाधान ढूंढने में विद्यार्थी सफल नहीं हो पाता है। तो किसी को तो जीने का अच्छा नजरिया दे सकती है, लेकिन किसी के लिए यह नुकसानदायक भी हो सकती है जो इसको नेगेटिव, नकारात्मक तरीके से ले। तो इस प्रकार से ये समस्या समाधान विधि में वुड की परिभाषा, उसकी कुछ विशेषताएं, उस विधि के 5 चरण, समस्या विधि का चयन, समस्या का प्रस्तुतिकरण, तथ्यों का एकत्रीकरण, विश्लेषण, सामान्यकरण और मूल्यांकन, और कुछ दोष। आगे बात करते, एक छोटी सी और विधि है समवाय विधि, उसे किस नाम से जाना जाता है, मल्टीट्यूड मेथड से। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें क्या किया जाता है, समवाय विधि छोटी सी है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं इससे संबंधित प्रश्न। इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, जो व्याकरण की शिक्षा होती है, व्याकरण की उस शिक्षा को, उस नॉलेज को स्वतंत्र रूप से प्रदान नहीं किया जाता है। जैसा कि देखा होगा विद्यार्थियों को इंग्लिश ग्रामर अलग से पढ़ाई जाती है, हिंदी ग्रामर अलग से पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी व्याकरण और हिंदी व्याकरण। इस विधि के द्वारा जो व्याकरण का ज्ञान होता है वह स्वतंत्र रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि उस व्याकरण के ज्ञान को, उस व्याकरण के शिक्षण को गद्य पद्य शिक्षण के माध्यम से, प्रोज और पोइट्री के माध्यम से सिखाया जाता है। तो कैसे सिखाया जाता है, इस विधि में जैसे कोई पद्य की है, पद्य की कोई, ये कोई पोयम है, कविता है, तो उस कविताओं, रचनाओं, पद्यों के माध्यम से उनको ले लेंगे, उनमें जो जो भी व्याकरण से संबंधित उदाहरण आएंगे उन उदाहरणों को क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा, और उन उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को व्याकरण का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस विधि के कुछ प्रमुख सिद्धांत है, कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। एक तो है फ्रॉबेल की जीवन केंद्रित शिक्षा पर, एक गांधी जी का समवाय के सिद्धांत पर, और एक जिल्लर का केंद्रीकरण का सिद्धांत पर। इसके अलावा इसका एक उपनाम भी है, जो ये समवाय विधि है इसको सहयोग विधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों जो होती है व्याकरण, हिंदी व्याकरण और हिंदी, उन दोनों के सहयोग से क्या सीख रहा है बच्चा, व्याकरण। इसका प्रमुख गुण ये है कि ये विषय वस्तु के साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान प्रदान करती है, और इस विधि द्वारा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान दिया जाता है। लेकिन इसके, ये तो एक सहयोग विधि का एक क्या है, फायदा, जैसे कि कोई कविता पढ़ा रहा है, कविता के माध्यम से ही जो भी उसमें व्याकरण से संबंधित तथ्य आ रहे हैं उनको समझाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो गया, व्याकरण का सीमित ज्ञान हो गया। व्याकरण से संबंधित जो उदाहरण उस कविता या पद्य में या रचना में आएंगे, अध्यापक उन्हीं का ज्ञान विद्यार्थियों को दे पाएगा, तो इससे विद्यार्थियों को क्या मिलेगा, व्याकरण का अधूरा ज्ञान। इसके अलावा गद्य पढ़ाते समय या पद्य पढ़ाते समय, उस समय व्याकरण को, उसमें दो विषय एक साथ विद्यार्थियों को पढ़ाने से क्या हो जाता है, उनको कक्षा में क्या आ जाती है, नीरसता आ जाती है, पूरी तरीके से कमांड ना तो वे गद्य और पद्य में कर पाते हैं और ना ही व्याकरण का पूर्ण रूप से ज्ञान ले पाते हैं, ये जो मिक्सचर हो जाता है वह खराब हो जाता है, और व्याकरण का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है और गद्य और पद्य का भी पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस विधि द्वारा विद्यार्थियों को एक तो व्याकरण का सीमित ज्ञान, इसके अलावा भाषा की शुद्धता एवं अशुद्धता का ज्ञान भी नहीं हो पाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से व्याकरण की शिक्षा ही नहीं दी गई है, तो उसमें भी अशुद्धता आती है।
दोनों तरीके से ही, तो इसीलिए समवाय विधि ज्यादा विधि यह एक अच्छी विधि की में मानी नहीं जाती है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ ही केवल एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर अतिरिक्त व्याकरण का ज्ञान देना है तो इस विधि का उपयोग कर ले, लेकिन व्याकरण की शिक्षा के लिए तो अतिरिक्त व्याकरण की शिक्षा ही दी जाती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हमने बात की है दो इम्पॉर्टेंट शिक्षण विधियों के बारे में, एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समस्या समाधान विधि एवं समवाय विधि मल्टीट्यूड मेथड। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारे जितने भी वीडियोस हैं पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इस हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू सो मच। Thank you.